हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज लेकर आई हूँ मूंगफली की बर्फी। आप लोग भी इस दिवाली पर इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आइए मूंगफली की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली के बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मूंगफली। मैंने कच्चा मूंगफली लेकर उसे रोस्ट कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए 150 ग्राम चीनी, 2 छोटी वाली इलायची और 3-4 चम्मच मिल्क पाउडर। सबसे पहले हमें रोस्ट किया हुआ मूंगफली को मिक्सर की सहायता से पीस लेना है। मूंगफली को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। इसे अब हम मिक्सर से निकाल लेते हैं। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करके मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हमें बर्फी का चाशनी तैयार करना है। चाशनी तैयार करने के लिए कढ़ाई पर चीनी डाल देना है। उसके बाद इसमें आधा प्याली पानी ऐड कर देना है। अब हमें इसे चलाते हुए पकाना है। लगभग 2 मिनट बाद देखिए चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें इलायची ऐड कर देते हैं। अब हमें मीडियम आंच पर लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाना है। लगभग 5 मिनट हो चुका है। इलायची की दाने को हमें निकाल लेना है। हमें चाशनी को चेक कर लेना है कि चाशनी हुआ है या नहीं। इसे चेक करने के लिए उंगली पर थोड़ा सा पानी लगाकर चाशनी को 2 उंगली के बीच में रखकर देखना है कि ये तार जैसा होता है या नहीं। देखिए, तार जैसा बन रहा है, इसका मतलब हमारा चाशनी तैयार है। अब हमें चाशनी में मूंगफली और मिल्क पाउडर के मिक्सर डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करते समय मैंने गैस ऑफ कर दिया है ताकि मिक्सर सूख ना जाए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें फिर से गैस ऑन करके धीमी आंच पर लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अब हमारा 2 बर्फी बनाने के लिए तैयार है। बर्फी को जमाने के लिए प्लेट के ऊपर बटर पेपर ले लेना है ताकि बर्फी प्लेट से ना चिपके। यदि आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो घी से प्लेट को ग्रीस कर ले। अब हाथों से प्रेस करके इसे अच्छा साइज देना है। ऊपर का सोता प्लेन करने के लिए बेलन से इसे बेल ले। बेलने के बाद अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने छोड़ दे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे प्लेट से निकाल कर अपने हिसाब से काट ले।
मैंने सारा बर्फी काट कर तैयार कर लिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस दिवाली पर इस रेसिपी को आप लोग घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी ये रेसिपी? अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नई आई हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बाय बाय।